नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करते हैं गढ़वा के साथ। शाहपुर के टेरी हड़िया के पास सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दो बाइक की आमने सामने की वजह से ये हादसा हुआ। मृतकों में एक झूरा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसकी पहचान रामकृपाल दुबे के रूप में हुई, जबकि दूसरा मृतक की अब तक शनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुट गई। दोनों बाइक से गढ़वा एक डांडे का से आ रहे थे, उसमें एक्सीडेंट हुआ और दो आदमी का स्पॉट डेथ हो गया और एक तो बहुत सीरियस है, उसे गढ़वा को रेफर कर दिया गया है। रांची में दिनदहाड़े कारोबारी पर दो अपराधियों ने बंदूक तान दी। कारोबारी के एक वक्त तो धड़कने रुक गई थी, लेकिन कहावत है ना जाको राके साइया मार सके कोई। बंदूक ने धोखा तो दे दिया और गोली नहीं चल सकी, जिसके बाद दोनों अपराधी तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। सीसीटीवी में कैद तस्वीर के आधार पर अब पुलिस फिलहाल तफ्तीश की बात कर रही है। देखिए, रांची के डेली मार्केट थाना क्षेत्र की ये सीसीटीवी तस्वीरें तस्दीक करती है कि रांची में अपराधी किस कदर बेखौफ हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे दिन दहाड़े हाथों में पिस्तल लेकर अपराधी सड़क पर दौड़ रहा है। दरअसल बेखौफ अपराधी व्यापारी सुमन साहू पर पहले फायरिंग करता है और फिर फरार हो जाता है। हालांकि मिसफायर होने की वजह से व्यापारी सुमन साहू की जान बाल बाल बच गई। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके। पीड़ित कारोबारी का आरोप है कि रितेश कुमार सिंह उर्फ भोला, रियाज अंसारी और बबलू अंसारी ने हमला करवाया है। गुड्डू खान हत्याकांड में मेरी गवाही की वजह से बाकी लोगों को सजा हुई थी। तीनों उसी केस का बदला लेना चाहता है। बाइक से आए, हम उस पर फायरिंग करने लगे, गोली नहीं चली। वो लोग जब हम लोग दौड़ाए जा रहे थे, वो लोग भाग गए। रियाज अंसारी एक जेल में बंद है और उसका भाई बबलू अंसारी और एक मुकेश कुमार सिंह और भोला, ये तीनों मिलकर मुझे हुकुम मेरी हत्या करवाना था। अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है, लेकिन बड़ा सवाल है कि रांची को ये क्या हो गया है। कामरान, जी मीडिया, रांची। धनबाद में मजदूर नेता उपेंद्र सिंह की कार पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। जनता मजदूर संघ कुंती गुट के नेता उपेंद्र सिंह अपनी ऑल्टो कार से डिगवाडी से लौट रहे थे, तभी घनुडी के पास वो मजदूरों से मिलने चले गए। वापस लौटे तो देखा कि कार क्षतिग्रस्त है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। तफ्तीश फिलहाल की जा रही है। उपेंद्र सिंह की कार से पुलिस ने कारतूस के दो खोखे बरामद किए। वादी है उसके द्वारा बताया गया कि वो 12 नंबर गए थे और गाड़ी खड़ी करके, और जब वो गाड़ी बस्ती से जब लौटे तो देखे कि गाड़ी में क्षतिग्रस्त किया हुआ है। क्षतिग्रस्त करने पर गाड़ी खोल के देखा गया तो उसमें दो खोखा बरामद हुआ है, जिसकी जांच हम लोग कर रहे हैं। जांच करने के बाद हम लोग उस पे आगे अनुसंधान हम लोग करेंगे। 12 नंबर चले गए, गाड़ी हम 200 मीटर दूर में खड़ा करके पानी के चलते, उधर कीचड़ है, इसके लिए पैदल गए। उधर से जब रिटर्निंग आए तो देखते हैं कि मेरा गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है। हम सोचे कोई पत्थर मार के भाग गया, मगर जब जैसे अपना ड्राइवर का सीट खोलते हैं तो शीशा को साफ कर रहे थे नीचे सीट का, तब तक गोली का अंश निकला। अथवका के जब बाहर निकले हैं तो देखते हैं कि नीचे में खोखा पड़ा हुआ। और अब खबर रामगढ़ से। रामगढ़ में रजरप्पा मंदिर स्थित दामोदर और भैरवी नदी उफान पर है। इसकी वजह से रजरप्पा मंदिर के बगल में भैरवी नदी के आसपास की कई दुकानें जलमग्न हो गईं। दो दिन से लगातार यहां बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हाल बेहाल है और इसी वजह से दुकानदार समेत श्रद्धालु बहुत परेशान हैं। बोकारो के तेनुघाट डैम के 5 गेट को खोल दिया गया है। आज दामोदर नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद 5 गेट खोल दिए गए। 40,610 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया। नदी किनारे जाने वालों पर रोक भी लगा दी गई।
और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आज कोल्हान में मुख्यमंत्री रघुवर दास की जन आशीर्वाद यात्रा का दूसरा दिन है। आज पूरे दिन मुख्यमंत्री कोल्हान के अलग अलग जगहों पर जनता से मिले, कई जगहों पर जनसभा को संबोधित किया, आशीर्वाद रथ से रण की ललकार भरी। देखिए कोल्हान से सीएम की हुंकार, आशीर्वाद रथ से रण की ललकार। मुख्यमंत्री रघुवर दास की जन आशीर्वाद यात्रा कोल्हान के अलग अलग विधानसभा में पहुंच रही है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को पूर्वी सिंहभूम के पडमदा चौक पर सभा की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां चूल्हा सिलेंडर के साथ दूसरा रिफिल का पैसा भी दिया जा रहा है। राज्य में किसान उन्नत खेती करें, इसके लिए प्रशिक्षण के लिए उन्हें इसराइल भेजा जा रहा है। सीएम ने कहा कि गरीब की जिंदगी में बदलाव लाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बिजली के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए डबल इंजन की सरकार ने 30 लाख घरों तक बिजली पहुंचाई है। आप देख रहे हैं हर गरीब बहन को एलपीजी गैस सिलेंडर, चूल्हा, दो दो सिलेंडर, ये डबल इंजन की सरकार दे रही है। झारखंड देश का पहला राज्य जहां हम चूल्हा भी फ्री देते हैं और डबल सिलेंडर का पैसा भी डीबीटी के माध्यम से देते हैं। जो बुनियादी आधारभूत संरचना है, चाहे सड़क हो चाहे बिजली हो, इन समस्याओं का ध्यान सरकार के तहत अवगत कराने का काम हुआ और यही परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं पटंदा से हर सड़क को, ये जो बॉर्डर है बंगाल से, हमारी सरकार जोड़ने का काम कर रही है। झारखंड में ऐसे घर थे जहां बिजली नहीं पहुंच पाई थी। आजादी कितने वर्ष बीत जाने के बाद भी झारखंड में 30 लाख घर में बिजली नहीं थी। ये मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने 30 लाख घर में, 30 लाख गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने की। पटमदा से मुख्यमंत्री रघुवर दास की जन आशीर्वाद यात्रा सरायकेला पहुंची। एचडी कुडू एससीएससी विद्यालय में मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। रांची लोकसभा के सांसद संजय सेठ और ईंचागढ़ विधायक साधु चरण महतो भी शामिल हुए। सीएम ने यहां भी हुंकार भरी। कोल्हान में मुख्यमंत्री रघुवर दास की जन आशीर्वाद यात्रा के दूसरे दिन लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। अगले 4 दिनों तक सीएम कोल्हान के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जनता से विकास के बदले आशीर्वाद लेते नजर आएंगे। मदन, जी मीडिया, जमशेदपुर। झारखंड महागठबंधन को लेकर सियासी सस्पेंस बना हुआ है। अभी तक ना तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ, ना ही महागठबंधन के मुख्य फेस पर सहमति बन पाई है और ना ही महागठबंधन बनाने को लेकर अब तक कोई बैठक हुई। ऐसे में सियासी गलियारों में झारखंड महागठबंधन को लेकर कई तरह की बातें हो रही है। देखिए झारखंड महागठबंधन का कब होगा महाजुटान, कैसे बनेगा कुनबा, कैसे होगी पहचान, किस चेहरे पर सब सहमत होंगे, कौन करेगा रण का ऐलान। लोकसभा चुनाव में झारखंड महागठबंधन को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक एक सीट पर सफलता जरूर मिली, लेकिन महागठबंधन के गांठ पर बुरा असर पड़ा है। हालात ऐसे हुए कि महागठबंधन के घटक दल दोबारा कभी एक मंच पर नहीं दिखे। अब जबकि झारखंड विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो एक बार फिर झारखंड महागठबंधन की कैसी तस्वीर होगी, इस पर बहस शुरू हो गई है। क्योंकि महागठबंधन के घटक दल एकला चलो की रणनीति के तहत अलग अलग चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हैं। जेएमएम कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन बदलाव यात्रा पर हैं। झारखंड विकास मोर्चा के जनादेश समागम रैली में महागठबंधन घटक दल के कोई भी नेता शिरकत नहीं करते हैं। कांग्रेस आपसी कलह से परेशान है, तो सवाल उठता है कि झारखंड महागठबंधन का महाजुटान कब होगा, किस चेहरे पर सब सहमत होंगे। महागठबंधन तो बहुत पहले से खाका तैयार है, लोकसभा में ही सारी बातें तय हो गई। अब कोई नया से कुछ करना तो है नहीं। हाँ, उसका जो एक औपचारिकता है वो हमको लगता है कि चूंकि अभी हम लोग का बदलाव यात्रा समाप्त हुआ है,
बाबूलाल जी का भी अपना एक कार्यक्रम था जनादेश का, वो भी समाप्त हुआ है। अब कांग्रेस के भी लोग ही करेंगे, बाकी लोग भी अब बैठ कर हम लोग बातें कर लेंगे। जेएमएम की दलील है कि फॉर्मूला तैयार है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। लेकिन फिर लोकसभा चुनाव की तरह विपक्ष का कुनबा कब बनेगा, कौन पहल करेगा, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कहानी को और उलझा रहे हैं। जेबीएम के लिए बाबूलाल मरांडी नेता है, कांग्रेस पार्टी के लिए आज रामेश्वर उरांव जी नेता है, जैसे बीजेपी के लिए रघुवर दास जी नेता है। इसमें कहाँ दिक्कत है, इसमें कौन गलत बोल रहा है, सब लोग सही हैं अपनी जगह पर। इसलिए इसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए। कांग्रेस की दलील है कि गठबंधन बहुत संजीदा मामला है, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और यही महागठबंधन के लिए दिक्कत भी है। देखिए, गठबंधन बहुत संजीदा मसला है और हम गठबंधन के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं, लेकिन ये चार दलों का गठबंधन है। निश्चित रूप से सबकी अपनी अपनी बाध्यताएं हैं और अपनी अपनी मान्यताएं हैं, और कहीं ना कहीं सभी लोग चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। अभी तक महागठबंधन का ऐलान नहीं हुआ है, सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई है। महागठबंधन के नेता ऑल इज वेल की दलील दे रहे हैं, इस पर बीजेपी सीधे पूछ रही है, महागठबंधन का चेहरा कौन होगा? उनको तय करना चाहिए कि उनके मुख्यमंत्री अगर आते हैं तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन बनेंगे कि बाबूलाल बनेंगे कि कांग्रेस से कोई बनेंगे। लोकसभा चुनाव में ये तय हुआ था कि विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में होगा। हालांकि अब जबकि चुनाव की घड़ी नजदीक आ चुकी है, बावजूद इसके महागठबंधन को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। देखना होगा महागठबंधन तैयार करने का महापेच कब सुलझेगा। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। और अब बढ़ते आगे, रांची यूनिवर्सिटी का 33वां दीक्षांत समारोह 30 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और विश्वविद्यालय वीसी, शिक्षा मंत्री सहित कई अधिकारी शिरकत करेंगे। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति के हाथों 10 गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों को मेडल दिया जाएगा। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 1 घंटे तक मौजूद रहेंगे। दीक्षांत समारोह को लेकर छात्र काफी खुश हैं। सभी को भारतीय पारंपरिक परिधानों में डिग्री मिलेगी। बता दें कि बाद कल ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। कल शाम 6 बजे राष्ट्रपति रांची पहुंचेंगे और राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद रविवार को राष्ट्रपति सुबह 9 बजे गुमला के विशुनपुर जाएंगे, जहां वो विकास भारती के काम को देखेंगे, साथ ही ज्ञान भारती में पढ़ने वाले आदिम जनजाति के बच्चों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति टाना भक्तों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति गुमला से देवघर जाएंगे और बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद रांची लौट आएंगे। सोमवार को राष्ट्रपति रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और इसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। रांची विश्वविद्यालय का 33वां दीक्षांत समारोह आयोजित होने जा रहा है। इसमें डिग्री प्रापकों की संख्या 3,985 है, जिन्हें डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। इसमें गोल्ड मेडल और दूसरी जो उपाधियां हैं वो सब सम्मिलित हैं। ये 1 घंटे का कार्यक्रम है और राष्ट्रपति अपने हाथों से 10 गोल्ड मेडल धारियों को गोल्ड मेडल प्रदान करेंगे और फिर अपना दीक्षांत भाषण देंगे। उत्सुकता तो बहुत है, उत्सुकता की वजह से हम लोग आए, इतने लंबे लाइन लगा के हम लोग अभी लिए हैं ये अंग वस्त्र। तो फिर हम लोग का 30 सितंबर को है प्रोग्राम, तो उस दिन हम लोग राष्ट्रपति से जो अवार्ड लेंगे उससे हम लोग को बहुत खुशी होगी। ये हमारा फर्स्ट टाइम है। एक्साइटमेंट लेवल तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर राष्ट्रपति आकर के स्टूडेंट को खासकर सर्टिफिकेट देंगे तो स्टूडेंट का एक होता है थिंकिंग कि कोई बड़े पर्सन से अगर सर्टिफिकेट हासिल करना, वो एक अपने आप में अचीवमेंट होता है। हम लोग का पहला मौका है, लेकिन बात रहा करके हम लोग तो टॉपर नहीं है, लेकिन टॉपर स्टूडेंट लोग के लिए और भी बेहतर मौका है कि उन लोग को राष्ट्रपति के हाथों से उनको मिलेगा। हम लोग को छोटे पदाधिकारियों के द्वारा मिलेगा, लेकिन भी हम लोग उतना ही उत्साहित होंगे जितना कि टॉपर वाले लोग भी उत्साहित हैं। बहुत उत्सुकता हो रही है और हम लोगों ने तो कोशिश किया था कि हम भी आ सके ताकि अच्छे रैंक पे, ताकि उनके हाथों हमें मिल सके, लेकिन वो तो नहीं हो पाया, बट वी आर वेरी हैप्पी। इस साल एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ और है, क्योंकि सबको मतलब प्रेजेंट को देखने और उनसे मिलने और उनके सामने जाने का एक अलग ही सबके अंदर जोश है, और सीरियसली इस बार बहुत ही मजा आने वाला है।
रांची विश्वविद्यालय के 33वां दीक्षांत समारोह 30 सितंबर को होगा। इसमें देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के तौर पर आ रहे हैं और यह पहला मौका होगा रांची विश्वविद्यालय के इन छात्रों का कि जो राष्ट्रपति के हाथों इनको डिग्रियां दी जाएगी और इसको लेकर जो है वो गौन ले रहे हैं और छात्र जो है वो कतारबद्ध तरीके से किस तरह से उत्सुकता है इन छात्रों में कि जब पहली बार जो है देश के राष्ट्रपति के हाथों इनको डिग्रियां दी जाएगी। इन छात्रों को भी काफ़ी उम्मीद होती है और लंबे अरसों से जो है वो इंतज़ार करते हैं इन डिग्रियां के, कितनी उत्सुकता है जब आप यहाँ पे जितनी भी भीड़ दिखाई आपको दे रही है आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टूडेंट में काफ़ी उत्सुकता है और हमें ये बहुत हमारे लिए बहुत गौरव की क्षण है जो हमारे राष्ट्रपति जी हमारे झारखंड में आ करके और हमारे 33वां दीक्षांत समारोह जो रांची विश्वविद्यालय में होने जा रही है ये पहला मौका है या इसे बोल सकते हैं कि ये पूरे स्टूडेंट के लिए गौरव की क्षण है जिन्हें राष्ट्रपति जी के हाथों गोल्ड मेडल और डिग्री लेने का प्राप्त होगा। और भी छात्र हम जानते हैं कितनी उत्सुकता है, बहुत ज़्यादा है और बहुत खुशी भी है कि हम लोग को कॉन्वोकेशन का मौका मिल रहा है। बीच में हमारे रिजल्ट में भी टाइम लगा था लेकिन फिर हम लोग के लिए डेट बढ़ाया गया तो उसके लिए बहुत शुक्रगुजार है रांची यूनिवर्सिटी। और कहीं ना कहीं जो है छात्रों में जो है उत्सुकता है, जो गौन है वो लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। कैमरामैन राहुल दीक्षित के साथ अभिषेक भगत, जी मीडिया रांची। तो 29 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गुमला के विशनपुर प्रखंड में विकास भारती के कार्यक्रम को देखेंगे। राष्ट्रपति को हेलीपैड के पास गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति विकास भारती विशनपुर जाएंगे जहां 15 प्रदर्शनी स्टॉल को देखेंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आचार जैम पैकिंग प्लांट का निरीक्षण करेंगे। राष्ट्रपति परंपरागत कारीगरों के बीच आयोजित कार्यशाला में शिरकत करेंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति ज्ञान निकेतन विद्यालय का भ्रमण करेंगे और विद्यालय के बच्चों से मुलाकात करेंगे। ये मैंने आग्रह किया था वो आ रहे हैं और अपने 30 मिनट के कार्यक्रम में जो हमारे प्रयोग यथासंभव हम दिखा सकेंगे उसको वो देखेंगे। बच्चों से भी मिलेंगे, अभिन्न जनजातियों से मिलेंगे, कारीगरों से मिलेंगे, लौह कराने की तकनीक को देखेंगे जो परंपरागत तकनीक रही है उसमें लोग करते रहे हैं, उन सब के समाज के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। कार्य है मतलब और किसी को चल रहा है का रात 12 बजे तक पूरा हो जाएगा और जितना भी रूप वगैरह वो सब ठीक है। तो इनका जो आधे घंटे का प्रोग्राम है जो विकास भारती में उनका जो है कला केंद्र है संस्कृति केंद्र वहाँ भी विजिट करेंगे, गांधी संग्रहालय विजिट करेंगे और विज्ञान विद्यालय उसमें जाएंगे, तो आधे घंटे का प्रोग्राम है। तो वही देवघर के बाबा मंदिर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई। राष्ट्रपति के स्वागत और सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। आज हेलीपैड पर एयरफोर्स ने ट्रायल भी किया। प्रशासन ने इस दौरान पूरे कार्यक्रम को लेकर एक मॉक ड्रिल की जिसमें सेंट्रल सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ देवघर के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। देवघर उपायुक्त नैन्सी सहाय, देवघर एसपी नरेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में पूरे मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया। प्रेसिडेंट का देवघर विजिट है, बाबा धाम मंदिर का दर्शन है, उसी के लिए सभी तैयारियां चल रही हैं। अभी हेलीपैड में इंडियन एयरफोर्स के 2 चॉपर्स का ट्रायल लैंडिंग भी हुआ, कल भी एक ट्रायल लैंडिंग होने की संभावना है। कल कुछ सीनियर पुलिस के अफसर आ रहे हैं, कुछ प्रतिनियुक्तियाँ भी हुई हैं बाहर के जिले से और हम लोग अपने जिला के ऑफिसर्स और सभी फोर्स पुलिस सभी पदाधिकारी के साथ उनको एक अच्छा अनुभव के साथ हमारे यहाँ से हम लोगों ने हेलीपैड की सुरक्षा के लिए एक एसपी दे दिए हैं और सार्किट इंचार्ज भी एक एसपी हैं, बाबा मंदिर सिक्योरिटी में भी एक एसपी इंचार्ज हैं। ट्रायल लैंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, कल एक फाइनल रिहर्सल होगा यहाँ और आसपास के एरिया में होटल लॉजेस और इसका हम लोग चेकिंग लगातार 3 दिन करवाएंगे। भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के लाइफ टाइम मेंबर बनाए जाएंगे। जेएससीए के नव निर्वाचित मैनेजमेंट कमेटी की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया। एजीएम की सहमति के बाद इस पर मोहर लगेगी। बीते दिनों धोनी को वोटिंग राइट्स नहीं रहने पर मामला उठा था। सदस्य होने की वजह से धोनी को मतदान का अधिकार नहीं था। आज जेएसएससी की ओर से स्टेडियम परिसर में डिनर पार्टी का आयोजन किया गया। डिनर पार्टी में धोनी भी शरीक हुए।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में 5 पदों पर नतीजे घोषित कर दिए गए। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के प्रणव कुमार ने जीत हासिल की। उपाध्यक्ष पद पर आदिवासी छात्र संघ के अभिषेक मिंज ने कब्जा किया। अमरदीप मुंडा सेक्रेटरी पद तो मंजिल उराव संयुक्त सचिव पद पर उन्होंने जीत हासिल की। अरविंद लकड़ा ने उप सचिव पद पर अपना कब्जा जमाया। आपत्ति हम लोग यही कि जब छठे राउंड की काउंटिंग चल रही थी तब हम लोग ने आपत्ति एक एप्लीकेशन जो किया था रिकाउंटिंग के लिए डिप्टी सेक्रेटरी पद के लिए, तो सर ने बोला कि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ रिजल्ट, तुम लोग आप लोग एप्लीकेशन दे दीजिए। जब हम लोग ने एप्लीकेशन दे दिया तब उस टाइम डिक्लेयर कर दिया रिजल्ट, और उसके बाद फिर बोलने लगे कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है अभी रिकाउंटिंग नहीं हो सकता। छात्रों ने इलेक्शन कराना जरूरी था, जैसे कि छात्रों का डिमांड था उसी के आलोक में हम लोगों ने शुरू किया, उसके लिए टाइम शेड्यूल था। इनका कहना है कि रिकाउंटिंग जबकि डिक्लेयर हो गया है एक डेढ़ घंटा पहले हुआ है। आज बोकारो के कारोबारी और समाजसेवी आरजू मलिक अपने समर्थकों के साथ झारखंड विकास मोर्चा में शामिल हो गए। रांची में जेवीएम के कार्यालय में बाबूलाल मरांडी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आरजू मलिक बिहार के जमुई से आते हैं, बोकारो में कारोबार करते हैं। बाबूलाल मरांडी ने आरजू मलिक को बिहार में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी। हमारे केंद्र अध्यक्ष महोदय मुझे बिहार का जिम्मा सौंप रहे हैं, मैं अपने पार्टी के लिए पूरी ताकत थल बल के साथ मैं वहां मेहनत करूंगा। हमारी सरकार झारखंड में भी बने और बिहार में भी हमारी सरकार रहे, इसके लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे और अपने हर लोगों को एक दूसरे के प्रति जोड़कर चलेंगे। इन्होंने पार्टी योगदान किया और बिहार में इनको झारखंड विकास मोर्चा की काम के का प्रभार पार्टी की ओर से इनको हम सौंपते हैं। बिहार में जो पार्टी बनेगी झारखंड विकास मोर्चा की इकाई तो अर्जुन मलिक जी के नेतृत्व में बनेगी। और चलिए इसी के साथ खबर झारखंड में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।